खबरों में बात करते हैं सीएम सिटी करनाल की, जहां बीते दिनों गांव स्टोंडी में दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि पहले बदमाशों ने युवक को फोन करके गांव के बाहर बस अड्डे पर बुलाया और बाद में बाइक पर बैठाकर कुछ दूरी पर ले जाकर बदमाशों ने पेट में गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी थी। संदीप की हत्या से गाँव में दहशत का माहौल व्याप्त है। पुलिस ने संदीप के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी, जिसका आज पुलिस ने खुलासा किया है। CIA वन पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर स्टोंडी गांव से रिंकू निवासी को 315 बोर की अवैध पिस्तौल, दो जिंदा रोंद के साथ काबू किया गया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने ब्लाइंड मर्डर की घटना का खुलासा किया है। आरोपी ने बताया कि करीब 2 माह पूर्व मृतक संदीप के साथ कहासुनी हो गई थी। इस बात की रंजिश उसके मन में रखे हुए था। उसका बदला लेने के लिए उसकी हत्या अपने दोस्तों से करवाई है। आरोपी रिंकू वर्ष 2016 में लड़ाई झगड़े के मामले में जिला जेल करनाल में बंद था। जेल में उसकी दोस्ती जितेंद्र उर्फ जैकी वासी बीजना के साथ हुई। बीती 30 अगस्त को जितेंद्र उर्फ जैकी व अमित उर्फ लड्डू निवासी रसिनीव व एक अन्य आरोपी रिंकू के घर पर हथियार मांगने के लिए आए थे। आरोपी रिंकू ने उसे 32 बोर पिस्टल व 4 रोंद दे दिए। उन्होंने रिंकू से कहा कि अगर तेरा कोई काम करना हो तो बता देना। रिंकू ने उसको कहा कि मेरी संदीप के साथ दुश्मनी है, उसको सबक सिखाना है। तब जितेंद्र उर्फ जैकी, अमित उर्फ लड्डू व एक अन्य आरोपी ने मिलकर रिंकू के कहने पर संदीप उर्फ काला की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। आज आरोपी रिंकू को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। आरोपी जितेंद्र उर्फ जैकी, अमित उर्फ लड्डू व एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर दबिश दी जा रही है। हमने स्टोंडी नहर पुल के पास से एक युवक रिंकू नाम के युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पोजेशन से एक नजायज असला मिला। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने पूछताछ में ये डिस्क्लोज किया कि जो 31 तारीख को जो स्टोंडी गांव में युवक का मर्डर हुआ था, उसको करवाने वाला मेन सूत्रधार यही था। इसकी एक महीने पहले उसके साथ कोई रंजिश स्टार्ट हुई थी। उस रंजिश के बाद इसी के गांव के पास का लड़का जैकी और एक रसीन का लड़का, जिसको लट्टू कहते हैं, उसका निकनेम लट्टू है, वैसे अमित है उसका नाम, वो इसके घर पे आए। इसने उसको पिस्टल भी दी कि मेरा ये दुश्मनी है मेरी, इससे आप इसको रास्ते से हटा दो। उनको पिस्टल दी, इसे घर बैठ के उसकी सलाह बनी। तो इसने उसकी इसी प्लान के अनुसार उन्हें अगले दिन इस लड़के का मर्डर कर दिया। और इस एक और बात इन्वेस्टिगेशन में आई है कि इस मर्डर करने के बाद, ये मर्डर करने के बाद इन्होंने दिल में चीका में जाके एक सेठी क्लोथ हाउस है, उसकी दुकान पे 3 फायर करके फिर उन्होंने फिरौती भी मांगी। ये बात भी क्लियर हो चुकी है, नामजद हो चुके हैं बंदे उस वारदात। क्यों ऐसी वारदात को अंजाम दिया, ये दोनों जो वारदात से मिलते आपसे रंजिश थी कोई? ये इसकी रंजिश थी गांव में इसके साथ। किस बात को लेके हुई थी ये गांव में? बस ये थोड़ा पहले भी 2 मुकदमे दर्ज है, थोड़ा डेस्परेट टाइप का आदमी है, तो उसकी 1-2 बार कहा सुनी हुई गाँव में और मन में रंजिश लग गया उस बात। कितने लोग गिरफ्तार है अब फिलहाल? जो सूत्रधार था वो गिरफ्तार हो चुका है और जो मारने वाले हैं वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया। सर कार से मिला असला वही है? वो कार से मिला था। डैशबोर्ड में वारदात करने वाले 2 थे या 3 थे? 3 थे वारदात करने वाले। एक कैथल का लड़का था, उसका नाम अभी तक नहीं आया सामने। 2 लोकल थे, एक बीजना गाँव का था और एक दसिंग गाँव का। बीजना जग्गी जैकी जैकी ये सर कैसे भागे सर? बहुत सी बाइक से भागे, उसी बाइक पे एक लड़का बिठा के लेके आया, वहाँ पे 2 बंदे ऑलरेडी वेट कर रहे थे, उन्होंने फिर फायर कर दिया, फिर तीनों एक ही बाइक पे बैठ के भाग गए। दोबारा फिर शाम को 1:30 बजे चीका पहुंचे, वहाँ एक सेठी क्लोथ हाउस की, वहाँ उन्होंने फायर किया उसकी दुकान पर और फिर फिरौती की एक पर्ची फेंक के आए। कितनी मांगी सर? करीब 50 लाख रुपए की फिरौती। उनको गिरफ्तार कहाँ से किया? किसको? स्टोंडी नहर पुलिस से। कल यो असला ले रहा था सर, यो मतलब क्रिमिनल टाइप में है या क्या? इसी ने एक पिस्टल भी दी उनको वारदात के लिए। इसके 307 का एक मुकदमा पहले लड़ाई झगड़े का दर्ज है, फिर 325 का भी 2 मुकदमे दर्ज है उसके। वारदात में शामिल नहीं था ये, प्लान था, प्लान इसका था, रंजिश इसकी। बंदे आइडेंटिफाई हो चुके हैं, पहले ब्लाइंड मार के चल रहे थे लेकिन उसमें अब जो अक्यूज है वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। ये मेरठ से लेके आया था, उसको वेरीफाई करा था। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।